आईपीएल 2022 से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की जर्नी खत्म हो चुकी है, लेकिन आईपीएल 2023 के ऑक्शन से पहले कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट डिसीजन चेन्नई की टीम को लेने पड़ेंगे। और किसी भी आईपीएल सीजन की शुरुआत क्योंकि ऑक्शन टेबल से होती है, और लास्ट के 2-3 सालों में सीएसके की टीम ने ऑक्शन की टेबल के ऊपर ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। लेकिन इस बार स्टीफन फ्लेमिंग जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कोच हैं, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि इस बार के आईपीएल ऑक्शन में सीएसके की टीम नो स्टोन अनटर्न रखने वाली है। यानी कि जितनी भी पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, जितने भी नए प्लेयर्स की जरूरत है, उतने सारे नए प्लेयर्स को सीएसके की टीम पिक करने वाली है ऑक्शन में। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अब जो पुराने प्लेयर्स हैं वो एज की वजह से या फिर करंट फॉर्म की वजह से सीएसके की टीम ने जो भी उनके साथ करना था वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुके हैं। और ऐसे में आईपीएल 2023 में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीएसके की टीम एक नई टीम के साथ आने वाली है जो कि कहीं ज्यादा यंग होगी। और इसके साथ ही बेन स्टोक्स एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि सीएसके की टीम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑक्शन में अपना नाम देंगे तो ऑलरेडी मुंबई इंडियंस तो इनको टारगेट करने वाली है। लेकिन इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी बेन स्टोक्स के पीछे जा सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रविंद्र जडेजा को ये टीम रिलीज करने का सोच रही है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों के हिसाब से चेन्नई की टीम को जडेजा को रिलीज करके स्टोक्स को अपनी टीम में लेना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।